हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टूर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना रैंकर सीरीज नंबर 25, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं, मैं उनको तुरंत बता देता हूँ एक बार फिर से कि दोस्तों, ये चैनल पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे 24 रैंकर सीरीज पहले से अवेलेबल है, जो कि मिलेगी। सब्सक्राइब के बाद आप वीडियोस पे जाना, वहाँ पे आपको सारी जितनी भी रैंकर सीरीज़ है वो वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पे सुपर 25 करके दो या तीन आपकी वो सीरीज़ पड़ी हैं, तो उनके भी एमसीक्यू ज़रूर लगाइएगा। और कुछ वहाँ पे यूज़फुल वीडियोस पड़ी हैं जो आपको बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, जिससे इस जीपैट एग्जामिनेशन को हम लोग बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकते हैं। और चीज़ ये भी है दोस्तों, नोटिस करने लायक कि अब जैसे कि हम लोगों का एग्जामिनेशन काफ़ी करीब आ गया है, तो आपको जो एक स्ट्रेटजी बनानी है उसके अकॉर्डिंग ये करिएगा कि 31 दिसंबर तक जितनी चीज़ें हैं, जितनी नई चीज़ें हैं, आप वहाँ पे उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जितने भी डेज बचेंगे उसमें दोस्तों आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ही मस्ट है, क्योंकि आपने जितना कुछ भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन आप नहीं करोगे तो सारा कुछ वेस्ट चला जाएगा। इसलिए अपने कैलेंडर में एक डेट फिक्स कर लीजिए, 31 दिसंबर, जहां तक आप सारी नई चीज़ें करते जाएंगे। क्योंकि आप यहां तक तो सारे रैंकर सीरीज़ और जो स्टडी मटेरियल वगैरह ये उन पर जो भी आपको पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं वो आप वहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद जब आप रिवीजन करने लगेंगे तो हमारी तरफ से जो नए कलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो आपके पास दो वर्कलोड जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, आप अपना तो सारा रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ जो नए एमसीक्यूज़ हम प्रोवाइड करेंगे इस चैनल के माध्यम से वो भी आपको करने होंगे। तो थोड़ा सा जो आपके पास 20 से 22 दिन होंगे जनवरी में, ठीक है, तो उसमें आपको वहाँ पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पे आप अभी 2 घंटे निकालते हैं, 1 घंटे सुबह निकालते हैं, 1 घंटे शाम को निकालते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको वहाँ पे 3 घंटे निकालने पड़ें। तो इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों कि आप 31 दिसंबर तक एक मार्क कर लीजिए कि आपको जितनी भी नई चीज़ें हैं अभी करते जाना है। अभी ये चीज़ नहीं देखना है कि आपने कितना सिलेबस किया हुआ है या अभी आप नए हैं, अभी आपने पढ़ाई शुरू की है, ये सारी चीज़ें आप अपने मन से निकाल दो। केवल 31 दिसंबर तक जो भी आपको मिलता है मटेरियल, जो भी नई चीज़ें मिलती है उसको आप पढ़ते जाइए। इसके बाद आप उनका रिवीजन करना और एग्जामिनेशन में आप बैठोगे और बिल्कुल बहुत ही ईजिली इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर जाओगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना आज का रैंकर सीरीज नंबर 25। और पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस यूजली रिजल्ट्स इन अ प्रोडक्ट दैट इज। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस यूजली रिजल्ट्स इन अ प्रोडक्ट दैट इज लेस लिपिड सोल्यूबल देन द ओरिजिनल ड्रग, मोर लाइकली टू डिस्ट्रीब्यूट इंट्रासेलुलरली, मोर लाइकली टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय किडनी ट्यूबल्स, मोर लिपिड सोल्यूबल देन द ओरिजिनल ड्रग, लेस वाटर सोल्यूबल देन द ओरिजिनल ड्रग। तो दोस्तों, इसमें से एक राइट आंसर है वो आपको पॉइंट आउट करना है। ड्रग मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म ह्यूमंस में एक्ट करता है उससे क्या प्रोडक्ट रिजल्ट करता है, ये चीज़ आपको बताना है। और यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, और उसमें से जो राइट आंसर है वो ये है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस यूजली रिजल्ट्स इन अ प्रोडक्ट दैट इज लेस लिपिड सोल्यूबल देन द ओरिजिनल ड्रग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ थेरेपी विथ मल्टीपल ड्रग्स कॉजेज इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन योर डिप्रेस्ड पेशेंट, इट विल बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी एसोसिएटेड विद डिक्रीज एंजाइम्स इन द सॉल्यूबल साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन, रिक्वायर 3 to 4 months टू रीच कंप्लीशन, और ऑप्शन नंबर 5 बी इरिवर्सिबल। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास मानो एक डिप्रेस्ड पेशेंट है, ठीक है, और जो आपने थेरेपी दी है उसमें आपने मल्टीपल ड्रग्स, जिसकी वजह से वहाँ पे इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है उस डिप्रेस्ड पेशेंट में, तो ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, और आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इट विल बी एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज लाइकली टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग दैट इज मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4 इन द लीवर। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से जो आपको पांच ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि इंक्रीज करेगा आपके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग जो कि मेटाबोलाइज की गई है बाय CYP3A4 इन द लीवर। और आपके ऑप्शन है क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफैम्पिन ड्यूरिंग थेरेपी विद द ड्रग इन क्वेश्चन, क्रोनिक थेरेपी विद एम्योड्रेन, डिसप्लेसमेंट फ्रॉम टिश्यू बाइंडिंग साइट्स बाय अनदर ड्रग, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्बामाजेपिन। उसका राइट आंसर दोस्तों क्रोनिक थेरेपी विद एम्योड्रेन। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कि रिपोर्ट्स ऑफ कार्डियक एरिथमियाज कॉज्ड बाय अनयूजुअली हाई ब्लड लेवल्स ऑफ टू एंटीहिस्टामिन्स टर्फेनाडीन एंड एस्टिमियोजोल लीड टू देयर रिमूवल फ्रॉम द मार्केट, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस इफेक्ट। Concomitant treatment with rifampin, use of these drugs by chronic alcoholics, use of these drugs by chronic smokers, treatment of these patients with ketoconazole and azole antifungal agent। इसका राइट आंसर है दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट विद कीटोकोनाजोल एंड एजोल एंटीफंगल एजेंट। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी एचआईवी ड्रग्स परमिट्स डोज रिडक्शन। तो दोस्तों यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ड्रग एजेंट है जब वो यूज होता है इन कॉम्बिनेशन विद दूसरे एंटी एचआईवी ड्रग्स के साथ तो वो शो करता है डोज रिडक्शन में। सिमिटिडीन, इफी, वेरेंज, कीटोकोनाजोल, प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन, रिटोनावीर, सक्सिनिल कोलिन या वेरापमेल। इसका राइट आंसर है दोस्तों रिटोनावीर। क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स में इनहिबिट द हिपेटिक माइक्रोसोमल P450 रेस्पॉन्सिबल फॉर वारफेरिन मेटाबॉलिज्म, अम्यूड्रेन, इथेनॉल, फिनोबार्बिटल, प्रोकेनामाइड या रिफैम्पिन। इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि इनहिबिट करती है हिपेटिक माइक्रोसोमल P450 जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर वारफेरिन मेटाबॉलिज्म। और इसका राइट आंसर है दोस्तों अम्योड्रेन। क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इफ यूज्ड क्रॉनिकली इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ एसिटामिनोफेन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि इंक्रीज कर देगी टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ एसिटामिनोफेन। सिमिटिडीन, इथेनॉल, कीटोकोनाजोल, प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन, रिटोनावीर, सक्सिनिल कोलिन या वेरेम्पिल। एंड द राइट आंसर इज इथेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज हायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन मेन देन इन वुमेन, सिमिटिडीन, इथेनॉल, कीटोकोनाजोल, प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन, रिटोनोवीर, सक्सिनिल कोलिन या वेरापमिल। और इसका भी राइट आंसर है दोस्तों इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन स्टेबलाइज इनहिबिटर ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन ड्रग ट्रांसपोर्टर्स, सिमिटिडीन, इथेनॉल, कीटोकोनाजोल, प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन, रिटोनावीर, सक्सिनिल कोलिन या वेरापमिल।
तो आपको बताना है कि इनहिबिटर ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन ड्रग ट्रांसपोर्टर इनमें से कौन है। और इसका राइट आंसर है वेरपमील। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम इज आइसोफॉर्म्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलाइजिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स। CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्रोमोजोम आइसोफॉर्म है जो कि सबसे ज़्यादा मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को। इसका आंसर दोस्तों आप सबको पता होगा, वो है CYP3A4। क्वेश्चन नंबर 11, अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज़ बीन एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग स्वेलोड द कंटेंट्स ऑफ 2 बोटल्स ऑफ नेसल डिकंजेस्टेंट। द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिकेशन इज अ पोटेंट सेलेक्टिव एल्फा एड्रिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ एल्फा रिसेप्टर एक्टिवेशन दैट मे ऑकर इन दिस पेशेंट। ब्रोंकोडाइलेशन, कार्डियक एक्सिलरेशन, पुपलरी डायलेशन, रेनिन रिलीज फ्रॉम द किडनीज, या वैसो डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्किन। तो दोस्तों आपको बताना है कि एक 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है, और कारण उसका यह है कि उसने स्वेले कर ली है 2 बॉटल्स जिसके अंदर नेसल डिकंजेस्टेंट था। ठीक है, अब एक्टिव इंग्रेडिएंट जो मेडिकेशन उसने ली उसके, वो है पोटेंट था सेलेक्टिव एल्फा एड्रिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग था। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लक्षण है जिसको, साइन है जिसको देख के हम बता सकते हैं कि एल्फा रिसेप्टर एक्टिवेशन हो गया है पेशेंट में। इसका राइट आंसर है दोस्तों पिपलरी डायलेशन माइड्रियासिस। मिस्टर ग्रीन इज ए 60 ईयर ओल्ड मैन विथ पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ऑफ 170 to 110 mmHg। ही इज टू रिसीव मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल इज अ पावरफुल आर्टेरियोलर वैसोडायलेटर दैट डज नॉट एक्ट ऑन ऑटोनॉमिक रिसेप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व इफ नो अदर ड्रग्स आर यूज। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सज्जन है मिस्टर ग्रीन जो कि 60 ईयर ओल्ड है, मेन है, विथ पुअरली कंट्रोल, का हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, उसको मिनोक्सिडिल वहाँ पे रिसीव करनी है। मिनोक्सिडिल एक पावरफुल आर्टेरियोलर वैसोडायलेटर होता है जो कि एक्ट नहीं करता है ऑटोनॉमिक रिसेप्टर में। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व, देखा जाएगा कौन सा इफेक्ट देखा जाएगा अगर हम कोई दूसरी ड्रग वहाँ पे नहीं देते हैं। टैकीकार्डिया एंड इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, टैकीकार्डिया एंड डिक्रीज कार्डियक ऑटिलिटी आउटपुट, डिक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर एंड डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर एंड इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनी, नो चेंज इन मीन आर्टेरियल प्रेशर एंड डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और इसका राइट आंसर है दोस्तों जो इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होगा वो है टैकीकार्डिया एंड इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फुल एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इज लाइकली टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। ब्रोंकोडायलेशन, डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इंक्रीज थर्मोरेगुलेटरी सेटिंग, इंक्रीज पिपलरी कॉन्स्ट्रिक्टर टोन मायोसिस, इंक्रीज हार्ट रेट टैकीकार्डिया। और इसका राइट आंसर है दोस्तों इंक्रीज प्यूपलरी कॉन्स्ट्रिक्टर टोन मायोसिस। अ क्रॉप डस्टर पायलट हैज़ बीन एक्सीडेंटली एक्सपोज टू अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अ हाईली टॉक्सिक एग्रीकल्चरल ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड।
इफ अनट्रीटेड द कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम सच एक्सपोजर वुड प्रोबेबली बी कार्डियक एरिथमिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, हार्ट फेलियर, हाइपोटेंशन या रेस्पिरेटरी फेलियर। तो दोस्तों आपको सिंपली बताना है कि अगर हम हाईली टॉक्सिक एग्रीकल्चरल ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड के कंसंट्रेशन को वहाँ पे इनहेल कर लेते हैं तो उससे अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं कंडीशन को तो उससे वहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल सकती है जो आपके डेथ का कॉज होगा वो चीज़ आपको देखने क्या मिलेगी, मतलब किसकी वजह से आपका डेथ होगा। और इसका राइट आंसर दोस्तों कि आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी सडन डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मिस्टर ग्रीन हैज़ जस्ट बीन डायग्नोज विथ डाइस ऑटोनोमिया मीन्स क्रोनिक आइडियोपैथिक ऑटोनोमिक इनसफिशेंसी, यू आर कंसिडरिंग डिफरेंट थेरेपीज फॉर हिज डिजीज, पायरिडोस्टिगमिन और न्यूस्टिगमिन में कॉज विच आर द फॉलोइंग इन दिस पेशेंट, ब्रोंकोडायलेसिस, साइक्लोप्लीजिया, डायरिया, इररिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एसिटिल कोलिनेस्टेज या रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो दोस्तों आपको सिंपली बताना है कि कंडीशन है डाइसोटोनोमिया की और वहाँ पे अगर हम पायरिडोस्टिगमिन और न्यूस्टिगमिन को देते हैं एज अ थेरेपी तो वहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल सकती है। उसका राइट आंसर दोस्तों इट विल रिजल्ट इन डायरिया। क्वेश्चन नंबर 16 पैरासिंथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन एंड अ स्लो इन्फ्यूजन ऑफ बैथिनोकॉल विल ईच कॉज गैंग्लियन सेल डिपोलराइजेशन, कॉज स्केल्टल मसल्स इंड प्लेट डिपोलराइजेशन, कॉज वैसोडाइलेशन, इंक्रीज ब्लैडर टोन या इंक्रीज हार्ट रेट। तो दोस्तों आपको बताना है कि पैरासिंथेटिक नर्व स्टिमुलेशन और उसके साथ में स्लो इन्फ्यूजन ऑफ बैथिनोकॉल विल ईच वो क्या कॉज करेंगे। तो दे विल कॉज इंक्रीज ब्लैडर टोन। क्वेश्चन नंबर 17 एक्शंस एंड क्लिनिकल यूज ऑफ मस्करेनिक कॉलिनोसेप्टर एगोनिस्ट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ब्रोंकोडायलेशन, मायोसिस, डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केल्टल मसल्स या इंक्रीज स्वेटिंग। तो दोस्तों आपको बताना है कि एक्शन और क्लिनिकल यूज ऑफ मस्करेनिक कोलिनको रिसेप्टर एगोनिस्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर है दोस्तों मायोसिस मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनो मिमेटिक दैट इज लिपिड सोल्यूबल एंड इज यूज टू फैसिलेट स्मोकिंग सेसेशन। तो कौन सा डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनो मिमेटिक है जो कि यूज होता है एज अ लिपिड सोल्यूबल एंड इज यूज टू फैसिलेट स्मोकिंग सेसेशन, जो कि लिपिड सोल्यूबल है और उसका यूज होता है स्मोकिंग सेसेशन के लिए मींस एंडिंग ऑफ द स्मोकिंग, एसिटिल कोलिन, बिथेनोकॉल, न्यूस्टिगमिन, फिसोस्टिगमिन या वेरिसिलिन। इसका राइट आंसर है दोस्तों वेरिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 19 अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर टेकिंग अ ड्रग फ्रॉम हर पेरेंट्स मेडिसिन कैबिनेट, द साइंस सजेस्ट दैट द ड्रग इज एन इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक विथ लिटिल और नो CNS इफेक्ट एंड अ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ अबाउट 2 to 4 hours, विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस इफेक्ट। दोस्तों आपके सामने साइंस दिए गए हैं एक ड्रग के और वो है कि ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक है जिसका कोई भी CNS में इफेक्ट नहीं है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 4 hours है। तो आपको बताना है इनडायरेक्टली कि कौन से ड्रग के ये एक तरह से इफेक्ट्स हैं, एसिटिल कोलिन, बिथेनोकॉल, न्यूस्टिगमिन, फेसोस्टिगमिन या पिलोकार्पिन। और इसका राइट आंसर है दोस्तों दीज आर द साइंस ऑफ न्यूस्टिगमिन। क्वेश्चन नंबर 20 विच आर द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेकेंड मैसेंजर प्रोसेस इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सीलियरी मसल व्हेन फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स, कैंप साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट,
DAG, diacyl glycerol, depolarizing influx of sodium ions via a channel. IP3 means inositol 1,4,5 triphosphate. NO means nitric oxide. The primary second messenger process of the contraction of the ciliary muscle when focusing on near object. तो दोस्तों यहाँ पे यूज होता है आपका एज अ सेकेंडरी मैसेंजर IP3 मींस आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट. क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अ मिशनरी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट इज सेंट टू वर्क इन अ ज्योग्राफिक रीजन ऑफ अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री वेयर ऑंको सरसा वॉल्वलस इज एंडमिक. इन्फेक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम दिस टिश्यू निमेटोड आर अ कॉज ऑफ रिवर ब्लाइंडनेस बिकॉज माइक्रोफाइलेरिया माइग्रेट थ्रू subcutaneous tissue and concentrate in the eyes. Which drugs should be used prophylactically to prevent onchocerciasis? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि for the condition of onchocerciasis आपको कौन सी drug use करनी है. Albendazole, diethyl carbamazepine, ivermectin, oxymenoquine या parenteral permethrin. इसका राइट आंसर है दोस्तों वी विल यूज आइवरमेस्थिन. क्वेश्चन नंबर 22 अ नॉन इंडिजीनियस पर्सन हु डेवलप्स ऑन्कोक्रेसियसिस इन एन एंडेमिक रीजन एंड रिसीव्स ड्रग ट्रीटमेंट इज लाइकली टू एक्सपीरियंस अ सीवियर रिएक्शन. सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक, वीकनेस, रैश, मसल एचेस, हाइपरटेंशन एंड पेरिफेरियल इडिमा. विच स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शन इज एक्यूरेट? एक्सटेंसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज एसेंशियल. Symptoms are more intense in indigenous adults than non-indigenous adults. The reaction is due to treatment with curamine. The reaction is due to killing of microfilaria. The symptoms are characteristic of treatment with diethyl carbamazepine. इसका राइट आंसर है द रिएक्शन इज ड्यू टू किलिंग ऑफ माइक्रोफाइलेरिया. क्वेश्चन नंबर 23 विच स्टेटमेंट ऑफ अबाउट पैरेंटल पेमोएट इज एक्यूरेट? एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट एट गाबा रिसेप्टर्स, इक्विवेलेंट इन एफिकेसी टू नाइक्लोसामाइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टेप वॉर्म इन्फेक्शंस, इरेडिकेट्स एडल्ट वॉर्म्स इन द कोलोन बट नॉट द एग्स, हाइपोटॉक्सिसिटी इज डोज लिमिटिंग, साइनर्जिस्टिक विद प्राजीक्वेंटल इन सिस्टोड इन्फेक्शंस. इसका राइट आंसर है दोस्तों इरेडिकेट्स एडल्ट वॉर्म्स इन द कोलोन बट नॉट द एग्स. क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अ स्टूडेंट स्टडिंग मेडिसिन एट अ कैरेबियन यूनिवर्सिटी डेवलप्स इंटेस्टिनल बाइलहेरियसिस एंड ऑक्सिमिनिक्विन इज प्रिस्क्राइब्ड. विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रपोज ड्रग थेरेपी इज एक्यूरेट? हॉस्पिटलाइजेशन इज रिकमेंडेड इफ द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ सीजियल डिसऑर्डर्स. ऑक्सिमिनिक्विन इज नॉट इफेक्टिव इन द लेट स्टेज ऑफ द डिसीज. ऑक्सिमिनिक्विन इज सेफ टू यूज इन प्रेगनेंसी. द ड्रग इज एन एंटागोनिस्ट एट गाबा रिसेप्टर इन ट्रिमेटोड्स. The drug is very effective in tapeworm infections. उसका राइट आंसर दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन इज रिकमेंडेड इफ द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ सीजियल डिसऑर्डर्स. Now last question for today is which helminthic infection does not respond to treatment with praziquantel? Hydatid disease, opisthocoriasis, paragonomyiasis, pork tapeworm infection or schistosomiasis. Iska right answer dosto hydatid
डिसीज़। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चन 25, रैंकर सीरीज़ 25, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। और दोस्तों ये भी मैं कह दूँ कि अगर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है, आप हमारे वेबसाइट जो कि www.estudycall.com है उसमें जाके आप देख सकते हैं, उन्हें ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी डाउट है या आप इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9995370-3693 पे, हम उस पर आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर कोई और भी क्वेरी डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।